तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, आप में से काफ़ी सारे लोगों का अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है कि हमने अपने YouTube चैनल पर जो भी शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड किए हैं, उन शॉर्ट्स वीडियोस पर हमें कॉपीराइट क्लेम आ गया है। तो आखिर यहाँ पर ये जो कॉपीराइट क्लेम आया है, इससे हमारे YouTube चैनल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि शॉर्ट्स वीडियोस को अपलोड करके अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करना चाहते होंगे, तो इससे आपके YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अक्सर होता यह है कि हम जब भी अपना यूट्यूब शॉर्ट वीडियो तैयार करते हैं, उस शॉर्ट वीडियोस में हम कोई ना कोई मूवी का डायलॉग, मूवी का सॉन्ग या फिर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब इन चीज़ों के इस्तेमाल करने की वजह से उस वीडियो को अपलोड करने के कुछ टाइम बाद ही हमारे YouTube शॉर्ट्स पर जो है वो कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, ये जो कॉपीराइट क्लेम है, ये आपकी वीडियो में दो तरीकों से आता है। इसको भी आपको ध्यान देना होगा, नोटिस करना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा वाला कॉपीराइट क्लेम आपकी यूट्यूब वीडियो पर आया है और किस कॉपीराइट क्लेम का आपके यूट्यूब चैनल पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी आपकी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है, तो मेनली आपकी यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस पर दो तरीके के कॉपीराइट क्लेम आते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल कॉपीराइट क्लेम, जो कि आपको नॉर्मली यूट्यूब की किसी भी वीडियो पर देखने को मिल जाता है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो। आपने यदि कोई म्यूजिक इस्तेमाल किया है, उसके लिए आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो कॉपीराइट क्लेम होता है, वो स्पेसिफिकली यहाँ पर जो है वो बनाया जाता है ऐसे म्यूजिक या सॉन्ग्स के लिए, जिनका यदि आप इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन उनका जो राइट है वो YouTube में ऑलरेडी पार्टनरशिप के तहत अवेलेबल है, यानी उन सॉन्ग्स को YouTube ने कहीं ना कहीं अवेलेबल कर रखा है या खरीद रखा है अपने क्रिएटर्स के लिए। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि किस क्रिएटर ने किस म्यूजिक को कितना इस्तेमाल किया है या उस म्यूजिक को कितनी ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल किया गया है? तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए YouTube ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि जब भी आप किसी इस तरह के सॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं अपने YouTube शॉर्ट में, जिसे YouTube ने खरीद रखा है या उसे बाय कर रखा है, तो YouTube यहाँ पर उसका एक यूनिक कंटेंट आईडी बना देता है। जैसे ही उस सॉन्ग को आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी शॉर्ट वीडियो पर भी आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल जाता है। लेकिन ये नॉर्मल कॉपीराइट वाला क्लेम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉपीराइट क्लेम आपकी शॉर्ट वीडियो पर आता है, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन के लिए आता है कि कितने लोगों ने उस ऑडियो को जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रखा है और किस तादाद में लोगों ने कितने ड्यूरेशन तक उस म्यूजिक को इस्तेमाल कर रखा है। इन्हीं सब जानकारियों के लिए ये जो कॉपीराइट क्लेम है वो आपकी वीडियो पर आता है। लेकिन जब भी आप किसी भी इस तरह के सॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके यूट्यूब शॉर्ट वीडियो से जो भी रेवेन्यू होगा, वो यहाँ पर उस सॉन्ग को इस्तेमाल करने की वजह से भी आपका रेवेन्यू शेयर होगा। लेकिन नॉर्मल कॉपीराइट क्लेम में और इस यूनिक कॉपीराइट क्लेम में फ़र्क ये है कि जो नॉर्मल वाले कॉपीराइट क्लेम होते हैं, ज़्यादातर केसेस में जो आपकी अर्निंग है वो 100% शेयर हो जाती है। लेकिन इस केस में यहाँ पर YouTube आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। अगर आपने किसी कॉपीराइटेड सॉन्ग का इस्तेमाल किया भी है, तब भी यहाँ पर आपका जो रेवेन्यू है उसका केवल कुछ परसेंट ही यहाँ पर YouTube जो है वो आपके रेवेन्यू से कम करने वाला है या काटने वाला है। बाकी का रेवेन्यू जो है वो आपके लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप ये पता कैसे कर सकते हैं कि आपकी YouTube वीडियो पर ये नॉर्मल कॉपीराइट क्लेम है या फिर वो यूनिक कंटेंट आईडी वाला कॉपीराइट क्लेम है। तो इसके लिए कुछ डायरेक्शन है जो कि अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। इन डायरेक्शन के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी वीडियो पर नॉर्मल कॉपीराइट क्लेम है या फिर यूनिक कॉपीराइट क्लेम है। सो आई होप दोस्तों, अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी शॉर्ट वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम का क्या फर्क पड़ता है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।